हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ तीन की प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूं जो हमारी जिंदगी को ग्रेट बना सकते हैं। नंबर वन, अपनी जिंदगी को वजह दो जीने की। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देगा। हम लोग सिर्फ अपनी जिंदगी को एक सिंपल, एक ऑर्डिनरी तरीके से जी रहे होते हैं जब तक कि हमारे पास एक वजह नहीं होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं होता है, खालीपन महसूस करते हैं, निराशा, हताशा, परिणाम स्वरूप सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये क्या है जो उन्हें ऐसा करने को मजबूर करता है? जिंदगी में उस वजह का नहीं होना जिस वजह से वो जिंदगी जिए। तो आपके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं ये जिंदगी क्यों जी रहा हूं, किस लिए जी रहा हूं, और फिर आप देखेंगे कि रोजाना आपके पास ये वजह भी होगी कि आपको सुबह टाइम से उठना है, रोजाना आपके पास ये वजह भी होगी कि आपको पूरे दिन भर प्रोडक्टिव रहना है, आपको अपने डायरेक्शन में जाना है, रोजाना शाम को जब आप सोने जा रहे हैं तब आपके पास एक वजह और होगी कि आप ग्रेटफुल होंगे अपनी जिंदगी को लेकर, अगर आपके पास जिंदगी की वजह है। दूसरा की प्रिंसिपल जो इसी डायरेक्शन में है, जो वजह आपने तय की है अपनी जिंदगी को लेकर, उस वजह से जुड़े हुए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके गोल्स में क्लैरिटी होनी चाहिए और उसी डायरेक्शन में होने चाहिए जो आपकी जिंदगी की वजह है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग अपने मकसद को लेकर तो क्लियर होते हैं कि मुझे जिंदगी में ये करना है, लेकिन उनके पास वो सर्टेन माइलस्टोन नहीं होते हैं कि उस डायरेक्शन में जाने के लिए मैं क्या क्या करते जाऊंगा और कब तक करते जाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस वजह से जुड़े हुए माइलस्टोन सेट करना, क्योंकि ये आपको रोजाना मोटिवेट करेंगे, आपको सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए इन माइलस्टोन की जरूरत है। अगर हमें ये क्लियर है कि ये हमारे सर्टेन माइलस्टोन है तो हम देखेंगे कि हम कितना अचीव कर पा रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा की प्रिंसिपल, परिणाम कैसे भी हो प्रयास निरंतर बनाए रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है कि उनकी लाइफ को ग्रेट बना पाए, उन सब के पीछे एक वजह रही है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन एफर्ट्स। ये सब लोग एक दिन, एक महीने, एक साल या 5 साल तक में भी वो सब नहीं कर पाए, इन्हें वो पूरा समय लगा है, शायद 10 साल, 20 साल या 30 साल। अगर आपको पता है कि मेरी जिंदगी की वजह ये है, मेरा मकसद ये है, अगर आपको पता है मेरे गोल्स ये हैं, माइलस्टोन ये है, देन कैसे भी रिजल्ट्स हो, रुके मत, लगातार चलते रहे। आज अगर आपने कुछ एफर्ट्स किए और आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैसे ही परिणाम आएंगे और नहीं आए, कोई बात नहीं है, आप ये देखिए कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और उस इम्प्रूवमेंट एरियाज को इंट्रोस्पेक्ट करके कल के एक्शन प्लान में डाल दीजिए। फिर भी नहीं आए, कोई बात नहीं है, फिर से इम्प्रूव कीजिए, फिर से रिफ्लेक्ट कीजिए। इस प्रक्रिया को रोकना नहीं है, यही वो एक अंतर है जो ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्रिएट करता है। जो तीसरा की प्रिंसिपल है, ये उन दोनों की प्रिंसिपल को कनेक्ट करता है। अगर ये नहीं है तो वो दोनों प्रिंसिपल्स बहुत सारे लोग जी रहे होते हैं बट कुछ होता नहीं है। सो अगर आपको एक बेहतरीन जिंदगी जीनी है, दीज थ्री प्रिंसिपल, वन इज अपनी जिंदगी को एक वजह दो जीने की, सेकेंड आप उस वजह से जुड़े हुए लक्ष्य तय करें, और तीसरा परिणाम कैसे भी हो प्रयास निरंतर बनाए रखें। थैंक यू सो मच।